तू तो फिर भी मैं फिर बीमार हूँ। ना ना बेटा, भगवान ऐसा क्यों करे, खुश रखे, बिल्कुल बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे। बीमार क्यों करो, बीमारी सबकी उम्र पर लगा हुआ भाई। तुम बताइयो खुशखबरी कब देगी भाई, जब वो देगी उसी इंतजार में बैठे रहोगे। गाइस आशीष किचन में भी काम करते हैं, देखो क्या करना है। मिर्च छोको आप इसमें ऐसी तो कोई बात भी ना करता वहाँ पे। लड्डू रह जाइए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। और मतलब प्रिया दीदी के जलने के बाद कल तो भाई मैंने रोटी बना दी थी, और आप सबके कमेंट जैसे आने के बाद ही मैंने ये व्लॉग शुरू करा है कि बच्चे को कोई क्यों नहीं ले रहा। बच्चे को लेने की कोशिश की थी लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसको अपनी मम्मी के पास ही रहना था। और मेरा इसलिए शूट चल रहा था क्योंकि मैंने टॉर्च जला रखी थी, लाइट गई हुई थी, और इसलिए लाइट एकदम से मैंने बंद नहीं की और वो साथ साथ रिकॉर्ड भी होता रहा। तो देख के फालतू के अजम्पशंस मत बनाया करो कि ये दीपांशी केयरलेस है या ये है। मुझे पता है मैं कितनी केयर करती हूँ, तो ऐसे मत बोलो कि भाई केयर नहीं करती या वीडियो व्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइट जल रही थी, जो सब दिख रहा था मैं ये मेरे फ़ोन से ही दिख रहा था, वरना लाइट गई हुई थी पूरी गली की और हम बहुत परेशान हो रहे थे। तो नीचे शायद चाची आई हुई है प्रिया दीदी का हालचाल पूछने, तो चलते और उनसे मिलते हैं क्या बोलती हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है चाची। मतलब वैसे तो रोहिणी में रहते हैं, आना जाना होता नहीं, तो यहाँ शादी में भी आए हुए थे तो बोले कि चलो मिल के आते हैं। और आशीष का भी हालचाल कह रही थी पूछने के लिए कि भाई इनके दर्द हो रहा था, ये मांस फट गया इसलिए। लड्डू सो रहा है, लड्डू को नीचे ही ले जाती हूँ मैं, तो चलते हैं नीचे और हालचाल पूछते हैं प्रिया दीदी का। हाँ कल वहीं पे ना थे, आपने पता ना लग गया। हाँ, चली गई थी, मैं चली गई थी। चली गई थी मुस्कान ने लेने के लिए, गई थी मुस्कान ने लेने के लिए, चली गई थी मैं वापस खाने के लिए। बीमार आ जैसी होगी इस बार ने, प्रिया दीदी तो सब मिलन आ जाएंगे। हाँ बच गई मुस्कान, ना आ रही आज अभी बेटा खाना खा के गई, मैं आज रात तक रुकूंगी। अच्छा ये मेरा डेली जाया करती, सही है। रात में 12-12 बजे आई है मेरे माध्यम रोज, मैं दूंगा चल आज उनका गान का भी हो जाएगा, इनका भी हो गया। फिर शाम ना होगी मुस्कान? नहीं खाना खाना थी शादी में, इनकी चूल्हा होता है ना बहुत पुरानी। खाना ना खा लिया? चाय वाली पी ली चाची ने? नहीं चाय मैंने तो नहीं ली। चाची ने कल उस रात घर में कर रखी है, सही है। लगती हो जाती हो नहीं सही है, आराम होया कुछ इसमें? दोबारा लगाई है? इधर लगाई मैं कहीं काम को ना करना, ना इधर का आराम उसे ही दवाई आता, आराम ना हो क्योंकि जला उड़ा ना उसे। हाँ जब तक मैंने इस तरह उसी ले कोई उसी चीज काम ना करे, मतलब लगान की जो करो अगर कोलगेट वोलगेट तक तो और ज्यादा हो जाए इनमें। थोड़ी देर ठंडक दे गर्म गर्म धंधक है जो कर कुछ ले आके। आरू क्या बनी हुई है तू, क्या बनी हुई है ये? शादी 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 किसकी शादी में जाएगी? दादी के साथ चली जा शादी में। सो जाओ फिर दोपहर में, वहाँ सो जाओ बेड पकड़ के। अच्छा बना रखा था, बढ़िया खाना था, घर खाली हो रहा हमारा, कोई रेंट पे पूछे तो बताइयो नीचे वाला। गाइस सुन रहे हैं सब, रेंट पे देना चाची ने, पेंट होने लग रहा है। कई दिन उसने हो गया डेकोरेशन चल रही है, अच्छा बना दिया डेकोरेशन। हम तो घर पर आ गए थे वापिस गए हैं, मतलब यहाँ तक आ लिए थे वापिस गए हैं फिर हम। हाँ घर पे मुस्कान बैठी थी, मैं उसने बुलाने के लिए चली गई खड़े के लिए। हाँ सही करा चले गए जब, मेरी मौसी के बैठी थी हम सारे यही है ना थे बिल्कुल। दवाई दवाई पॉकेट में दवाई लेके चल रहे हो?
ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲ ਰੋ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਉਂਗਾ ਪੋਕਿਟ ਮੇ ਜਾਉਂ ਸਾਥ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਸ ਪਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪ ਮਰੀ ਗਿਆ ਲੋ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ स्वस्थ रखी सब की उम्र पर लगा हम तो खा कमा ले मैं नहीं जल्दी जल्दी ले मेरा बेटा मैं फिर बीमार हो जाऊंगी तू उतर लाजी पार्टी किसी दिन हमारे यहाँ भैया बिल्कुल शादी के बाद आना छोड़ दिया बुलाओ जरूर आएंगे बुलाओगे कि अपने उससे मिले नहीं आओगे देवरानी से हाँ बताइए खुशखबरी कब देगी भाई जब वो देगी उसी इंतजार में बैठे रहोगे दो साल में समझा अभी ना सच्ची उस दुकान का जिन्हें कितना छोटी घड़ी लग गया भाई ठीक है आज मैं इन्हें समझाता हूँ है ना समझाता ही सारी आऊंगी ना तो केवल कई साल में नहीं सब आओ बच्चे सुधा बाल का अपने ट्रेलर लेकर आऊंगी अपने अपनी सिचुएशन बताऊंगी फिर बात समझूंगी वरना ना टूट जाएगी नहीं दीदी अच्छी बातें बताएंगे डिनर करने आओ डिनर के लिए पहले बोलना पड़ेगा हम आज आ रहे हैं डिनर करेंगे चाय पीने के लिए भी फोन करना पड़ेगा कि आप आ रहे हैं रास्ते में आइए चाय कर दो ठीक है स्नैक्स लंच पे आएंगे किसी दिन डिनर लंच पे आएंगे लंच आओ ठीक है ओके इंतजार करेंगे ठीक है चाची बिल्कुल इंतजार करेंगे उस दिन ठीक है सारे यहाँ सब इतने प्रोग्राम करती रहूँगी मैं घर में बताओ आपकी तबीयत कैसी गाइस बहुत चिंता हो रही है आपकी चिंता बहुत ज्यादा हो रही है कुछ ज्यादा ही हो रही है और मेरी भी मेरी बेटी की भी ज्यादा चिंता हो रही है हम केयरलेस हैं हाँ गाइस ऐसा नहीं है बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और सब नहीं दीक्षु ने नहीं मेरे तक और भी बहुत सारी औरतों ने पूछा था कि बेटी ने मेरे तक दे दी लेकिन वो इतनी ज्यादा रो रही थी ना तो मेरा मन करे और ना वो खुद गई किसी के पास सबको पता जो माँ होती ना उसको पता होता है कि मतलब बच्चा नहीं जाता उस टाइम पे किसी जब रोता है तो इतनी जब इतना बड़ा धमाका हुआ ना हमने ही पता जब हम वहां पे थे मेरे खुद के पैर इतने बुरी तरीके से कांपे थे मैं इतनी बड़ी हो गई जब मैं इतना मेरा दिल कांपा था वह तो बच्ची है उसके पे के गुजरी होगी ऐसे समय पे कोई भी ना छोड़ता अपने माँ बाप ने बच्चा हो चाहे कोई भी हो सबने पता है जो माँ बाप है उसने ही पता बच्चा इन चीजा का गाइस चिंता मत करो ठीक है पैर तो मेरे ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे पर जो है जिसने अच्छे अच्छे भी कमेंट कर रखे हैं ऐसी बात नहीं है और जिसने नेगेटिव कमेंट करे कोई बात नहीं उसका हम जवाब देने ये के लिए है जामुन दही खाओगी तू गरीब मैं पी लूं मैं नहीं दही जमाऊंगी दिखाओ आराम है गाइस देखो आराम तो है थोड़ा कल तक है कल यो लीला होया ना दिखा था आज दिखा है ये पूरा दिन नहीं सुनाई थी रात में वो घट रहा था ना गरम एक तो ऊँ लागना और एक फटना स्किन फटना कितना हो जाए तू ठीक है यारू ए गंजी इसका तो मुंह काला हो गया था कल दुम्मे में हो गया था काला इसका मुंह शुक्र लागी को दी तेरा गंजी तेरा अपनी मम्मी फुटवानी थी कोई ना मम्मी ये फुटी या ना फुटी बालक और परेशान हो जाए हम तो झेल लेंगे बच्चा की तकलीफ ना झेली जाती फिर गाइस खाना बना दो थारा बना दो खा लेंगे कल भी खाना इसी नहीं बनाया था हम तो खाए थे पर मेरे हस्बैंड का खाना इसी ने बनाया था सारा जामुन नीचे नीचे लाग रही ए आरू गाइस इसने सीध दही बहुत पसंद है ना छोटा करे सर्दिया में जमाती को ना जमाती में कहीं छोटा को ना यार कल मैं थोड़ा पनीर पड़ना मैं दही गर्की जमा ली उसको पड़ूंगी बेतू नीटली देख गोदिया ए लड़ो मत गाइस ठीक है गाइस अभी भी बच्चे ऐसे चिपट रहे हैं इब्बी आते तो मैं दोरा अपनी मम्मी दोरा मत रहे जब एक दूसरे का में तकलीफ होते हैं तो हम ऐसा नहीं है एक दूसरे का काम करवा देते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और
ये कुछ चीज दे दी दिखती है, सारी चीज थोड़ा नहीं दिखाई जा रही लोग। मैं 15-20 मिनट के लिए मजबूर देखो इसके लिए प्यार रखा है। गाइज आशीष किचन में भी काम करते हैं, देखो क्या करना है। मिर्च मिर्च छूप को आप इसमें खाना खा देगी, अच्छी बनाए करो आशीष आप जो मम्मी जो चीज बनाओ आशीष अच्छी बनाए कर, मैं उसकी कॉपी करना चालू होता मेरे पर ना होती। अब तो नोनो फर्स्ट कॉपी का डर फर्स्ट कॉपी फर्स्ट एडिशन होता है आपका तो फर्स्ट कॉपी है मेरी। हां क्या बटाक इतना घी है यो भून रखे मम्मी ने मिर्च में फूई लगी फूई लगी और बाकी इधर मैं तेल ना होगा तो मोती होगा तेल ले था ना इस मारी लगी पूरे तेल में डूब जाते कितना फूई लगी मेरा ना मम्मी ने करी थी बहुत बड़ी बात है किया भाइयों इतनी बना इतनी खानी चाहिए जितनी बनानी चाहिए जितनी खा लेंगे बस। अच्छा मैं उस तो बनाऊंगा मैं और कुछ देर यार रख दे बनने के बाद तैयार हो गए देखूंगा। गाइज मना करने के बाद भी उठ खा लिया बिस्तर पर तय। हम आपके पति तो रोटी देवे थे ना, थोड़ी देगी तो मैं अच्छा का काम भी बनाऊं तो मैं हूं तू बना मैं इतना और लेना आऊं ठीक है यहां पे रोटी बना लेते। ओ तवा पकड़ लिया वीडियो के चक्कर में। तो भी कर दिए बोलो कर दिए गाइस रेडी। मिर्च देखो गाइस चाट मसाला मसाला नींबू चाट मसाला नींबू 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 मिनी नींबू 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 अरे हींग और काला नमक रेसिपी बता रहे आशीष गाइस जिसको बनाना हो बना लियो देख लो अच्छे मैंने खा के देखी थी मेरे से भी छोड़ दी हुई कम मुझे भूख ले रही गाइस मैं खाने जा रहा हूं ठीक है जाओ खा लो। सो गाइस अभी मम्मी का फोन आया था मेरे सिर हो रही है कि लड्डू ना लेके यहां पर आ जा यहां पर आ जा तो आशीष भी जिद करने लग रहे हैं कि यार लड्डू ना लेकर घर पर चली जाए यहाँ पर बहुत ठंड है और वहाँ पर अच्छी तरह केयर हो जाएगी मम्मी भी है। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और सुबह पापा ऑफिस जाएंगे तो सुबह गाड़ी नहीं मिलेगी तो तुषार अभी आ जाएगा 1-1.5 घंटे में इतने में पैकिंग कर लेती हूँ अपनी। ओ माई गॉड लाइट गई तो गाइज पैकिंग करने वाली थी लाइट चली गई आशीष स्पॉट लाइट ले खड़े हैं कल वाला काम हो गया अब पता ना अंधेरे में कैसे पैकिंग करूंगी देखती हूँ थोड़ा वेट करके कि भाई लाइट आ जाए उसके बाद ही पैकिंग शुरू करूंगी क्योंकि अंधेरे में पता ना क्या रखा जाएगा। आगी चलो पैकिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है मम्मी जा हूँ ठीक है बाय बाय लाइट तो बंद कर दूँ वापिस अकेले बाय बाय चल ठीक है मर्द मिलने आ जाना पर ठीक है तो गाइस घर से निकले थे तुषार और लक्ष्य आ गए थे लेने मेरे को और लड्डू को स्पेशली लड्डू को मैं तो बेरुक के गई थी मेरा जी भी ना था सच्ची बताऊँ अन्य क्योंकि आशीष भी है और मम्मी भी खाना पीने की प्रॉब्लम खाने पीने की तो घर प्रॉब्लम ना होती क्योंकि रेनू दीदी भी है प्रिया दीदी भी है प्रिया दीदी की चोट लग रही है उन्हें का मन बनाया था तो बस लड्डू के लिए यही है कि थोड़ा केयर हो जाएगी यहाँ पे मम्मी के पास मुझे काम भी होता है फिर इतनी केयर भी नहीं होती और ये किसी के पास रुकता भी नहीं है ऊपर नीचे की बहुत प्रॉब्लम रहा है ऐसे ठंड मुकाबले में ज्यादा है ना। हाँ क्योंकि खुला एरिया है उस तरफ तो बिल्कुल सीधी हवा चटाई लगाने के बाद भी इतनी ठंड है इतना बचा के रखने के बाद भी इसकी इतनी ठंड लगी निकम्मे का। यो अपने मामा पे जा रहा है तुषार जब छोटा था ना यो भी मामा के जाकर ठीक होया करता नानी ठीक करके भेजा करती इसने अरे इसका भी यो हाल है दोनों मामा भांजे एक से तो पहुंचने वाले है घर पे और जाते ही मम्मी मेरे तक कर दिया छोरा बीमार मेरे तक कमेंटो में क्या है इसको नानी के पास छोड़ा हो बीमार कर दिया आपने है लड्डू देख के चलो तो घर पहुंचते हैं ठीक है। देख रहा हूँ नानी और नानी कैसे खड़े हैं लड्डू क्या दूरी क्या अच्छा जा नहीं आइए लड्डू बेटी को किधर मोड़ा कर रखा मेरा बेटा बीमार करके है ना देख लिया गाइस
कैसे खड़े हैं माड़ी माड़ी कर दे भी बेटी है लड्डू कावा के बेटी हाँ देखे कहाँ गया छो गया था अरे उतरी देख कैसे कमल में लेके घुस गए बीमार हो गई यूं तो खेलना बंद कर रखा है इसने अच्छा खुश हो गया नानू नानी के पास आके देख 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 खाली बेटी ओ माय गॉड ओ तेरी का लक्ष्य है हद कर दिया आज तूने जिम जाने का पता लग गया तेरा वर्कआउट कर रहा है तो गाइस घर पे आ गई थी मैं रात को और एंडिंग अभी मैं सुबह कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है आवाज से ही पता लग रहा होगा पता नहीं किस चीज़ तो हो जाए बिना वजह मैं कुछ ठंडा भी ना खाती ना कुछ पीती मतलब पता ना अपने आप ही हो रहा मौसम ठंड इतनी हो रही है कि बस कोई अरे मैं तीस ना निकालती है को ना ये इतना गर्म आप हर व्लॉग में देखोगे कि यो पाओगे मैं तो कल व्लॉग चेंज करे कपड़े मकान यूँ ही कह देंगे कि सारी आना इससे ना पहरे रहे तो अच्छा गाइस इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हरकती मजे आ रहे हैं इसमें मैं ना निकालती इसमें जबरदस्ती दिलवाया था रही हो मम्मी ने मेरे दमा मना करूँ जी मैं करना लेती मगर थोड़े दिन आके ठंड है अब इसने ना निकालती बिल्कुल है कैसे देख रहा है लड्डू मन में आपसे बात करने लग रही हूँ और लड्डू ऐसे देखने लग रहा है तो गाइज ये था आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो बहुत सारे अच्छे अच्छे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।